हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत आप लोगों का एक बार फिर से अपनी रोहिला ब्लॉग्स चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देंगे कुछ रेल से रिलेटेड अपडेट्स। और आगे बढ़ने से पहले, भाई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को, और रेगुलर व्यूअर्स है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए करते हैं पहली ट्रेन अपडेट की बात। तो भाई आपके तो पता ही है कि गोरखपुर हिसार का एक तरफा रेल का संचालन इंडियन रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। एक स्पेशल गाड़ी 05180 गोरखपुर हिसार, जो कि भाई आज 26 तारीख को ही गोरखपुर से 2:20 पर रवाना होकर और शुक्रवार को भाई आपकी 8:30 हिसार पहुंचेगी। और यह गाड़ी भाई आपकी बाराबंकी, लखनऊ, कैंट, कानपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली और भिवानी स्टेशन पर होते हुए आएगी। और रेल में डब्बे की बात करें तो भाई 2 थर्ड AC और 16 द्वितीय शयान और 2 गार्ड सहित कुल 20 डब्बे होंगे इस रेलगाड़ी में। चलिए दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट ट्रेन अपडेट की बात। दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा उदयपुर सिटी और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। तो जैसे गाड़ी संख्या 096603 उदयपुर श्री माता वैष्णो कटरा देवी, जो कि दिनांक 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 7 तारीख उदयपुर सिटी से, और गाड़ी संख्या 096604 श्री माता वैष्णो देवी कटरा उदयपुर सिटी स्पेशल, जो कि भाई 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक 7 ट्रिप वैष्णो देवी कटरा से चलाया जा रहा है। और दोस्तों, इस ट्रेन की बात करें तो भाई आपका ये ट्रेन है आपकी फुलेरा, किशनगढ़, रिंगस, झुंझुनू, लोहारू, शिवानी, हिसार होते हुए सीधी माता वैष्णो देवी कटरा को जाएगी। और 7 ट्रिप में इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है इंडियन रेलवे के द्वारा। और भाइयों, जो गोरखपुर हिसार का एक तरफा संचालन किया जा रहा है, वो ट्रेन भाई रोहतक में उसका स्टॉपेज नहीं दिया गया है, और नई दिल्ली के बाद में भिवानी जंक्शन पर ही स्टॉपेज था, पर लेकिन अब भाई उसको बदल दिया गया है। उसको भिवानी जंक्शन से ना ले जाकर भिवानी सिटी से ले जाया जाएगा, ताकि उसका लोको रिवर्सल ना होकर वो सीधी जा सके। तो भाई ये जानकारी देनी थी आपको, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन अपडेट वीडियो में। सो जय हिंद, जय श्री श्याम। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आगे ऐसे ही अपडेट मिलती रहेगी आपको।